वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये आपके न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। क्वेश्चन का मतलब समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई घर है इसका, ठीक है, तो ये इसका हाउस हो गया और यहाँ पर कोई इसकी ये जो है ये स्कूल होगी, ठीक है ना, ये स्कूल है। यदि यहाँ पर हम देखें कि ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोल रहा है कि 1 किलोमीटर 875 मीटर यहाँ पर इसकी डिस्टेंस दी हुई है कि भाई ये लड़का जो है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसको यदि इस घर से, अपने घर से और स्कूल तक जाना है तो उसको 1 किलोमीटर 875 मीटर इतने डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज। अब इसका मतलब ये जाएगा यहाँ से तो वापस भी तो आएगा घर, ठीक है। तो ऐसा ये 6 डेज ऐसा करता है, तो अभी हमें करना क्या है इस चीज़ को देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको पूरे को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये किलोमीटर में है लेकिन ये मीटर में है। अब कैसे करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, लेकिन जब हम 1 मीटर करेंगे तो 1/1000 किलोमीटर हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले 1 किलोमीटर 875 मीटर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टोटल को हम किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका 1 तो है ही, लेकिन 875 को जैसा मैंने यहाँ पे बताया तो इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, 1000 से। तो ये भी आपका क्या है, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमने फ्रैक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है कि 875/1000 है, इसमें 3 जीरो है, तो आप यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसको आप 0.875 आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 0.875 में जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 आपने प्लस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.875, ये जो है टोटल इसका हमने जो है इसको किलोमीटर में निकाल लिया, कितना हो गया ये 1.875 किलोमीटर। ध्यान देना है ये जो डिजिट के बाद, जो डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट जो है बोली जाती हैं। चलिए, हमारा एक काम तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने, अब नेक्स्ट क्या है कि अभी हमें 6 डेज का निकालना था। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 6 डेज में अभी ये क्या है, 1 डेज का अभी हमारा सिर्फ एक तरफ का हुआ। अब ये आने जाने का, तो डिस्टेंस क्या निकालेंगे, 1 डे में आता और जाता दोनों हैं, तो इसमें आप निकालेंगे कि डिस्टेंस एवरी डे थ्री वॉक्स बोथ वेज, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई COVERED कवर्ड बाई हर इन 1 डे कितना करेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके, एक बार जाएगा एक बार वापस आएगा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि 2 × 1.875 किलोमीटर। चलिए इसको रफ वर्क में एक बार यहाँ पे कर लीजिए, 1.875 × 2 करते हैं। देखिए 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और ये 1 हो गया 15, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 16 और 1 ये 17, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये आपका 3 और यहाँ पर डेसिमल आपका यहाँ पर था 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपका जो है पर डे इतना ये चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने 3.750 इतना
किलोमीटर ये जो है पर डे आने जाने में इसको इतने किलोमीटर तय करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 1 डेज हो गया। अब आप निकालेंगे कि इन 6 डेज, ठीक है, 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 6 इंटू जो ये आपका आया है 3.750, इससे मल्टीप्लाई कर लेना है बस। इसके अंदर और कुछ नहीं है। रबर में हम देख लेते हैं, 3.750 मल्टीप्लाई किया आपने 6 से। आपने ध्यान देना है मल्टीप्लिकेशन भी कैसे हो रहा है, 600, 65 जा 30, ठीक है, यहाँ पर 3 कैरी आ गया, और 6 7 जा 42, 42 और 3 कितना हो गया 45, 4 कैरी, हाँ 6 3 जा 18, 18 और 4 कितना हो गया 22। अब यहाँ पे पॉइंट आपने लगा देना है, तो ये कितना आ गया आपका 22.500 किलोमीटर। 6 डेज में इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेंगे करेगी। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है क्लियर। इस क्वेश्चन को मैंने जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया है। एक बार इसको और समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोई बच्ची है, ठीक है ना, हर बोल रहा है इसका मतलब बच्ची है, यहाँ इसका घर है, स्कूल है, यहाँ से एक तरफ की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर है, वापस इसको फिर आना है, तो इसको हमें 2 बार प्लस करना पड़ेगा या 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, उससे पहले, लेकिन इसे हमें पूरे जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, मीटर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000, और जब मीटर से कम से ज़्यादा में कन्वर्ट करना होता है तो आप डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2, उसमें हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सेम 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो 1 प्लस 875/1000 आपने कर दिया। अब इसका मैंने डेसिमल में कैसे करते हैं, 3 डिजिट है तो यहाँ पे आपने पॉइंट लग जाएगा, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने में दोनों को हमने प्लस कर दिया, आपका ये आंसर आ गया 1 पॉइंट इतना। फिर एक दिन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 बार प्लस कर देंगे, तो ये आपको यहाँ पर समझ जाना है। इसके बाद 6 डेज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, आपका 22.500 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। यदि कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8492917852, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर भी आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिनके पास शायद फैसिलिटी नहीं होगी कोचिंग या इस तरह की जो है और प्रिविलेज की, तो उन्हें भी जो है आपने ये शेयर के लिए उन्हें भी बताना है। थैंक यू वेरी मच।